हम खराब है। इसके अलावा जो मी तुम्हारी आखिरी है वो भी टूट गई है। अभी हम जा रहे हैं अपना ये वाला मुंह ले सीधा घर। क्या फायदा होगा इसके मुंह धोने का, या तो ना ही ना मुंह धोता चंगा ही सही गल है। चलिए गाड़ी चलो जी चलो भाई गाड़ी सारा बाजार फेर देता है। ये देख इतने आया ना लाइट में ये चेक करे कंट्रोल कंट्रोल लोड पे से किधर जा भी है हरी मीत है साडी और साथ रोड दीती है। चलो यार चलिए वापस घर यार कोई फायदा नहीं मुंह तो ले कोई फायदा नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक अवर न्यू YouTube व्लॉग। जैसा कि आपको पता है मैं कल रात को कज़न आए थे, अभी हम सुबह उठे उठ सबसे पहले किया नाश्ता, नाश्ता करने के बाद हम जाने लगे हैं एलना एलना से फ्री एक और हमने जाना है मस्जिद पाक बीघा शरीफ पर। अभी हम एक दफा हुआ है कब्रस्तान एलना से फिर आपको मिलते हैं जाके सीधा कब्रस्तान में मतलब मस्जिद पाक बीघा शरीफ। देख अभी ये भी उठ गया तैयार हो गया, मैंने भी कपड़े वगैरह पहने हैं नाश्ता वगैरह करके भी हैं छत पर। अभी हम निकलने लगे हैं एलना फिर चलते हैं इंशाल्लाह मस्जिद पाक बीघा शरीफ। चले जी हम यहाँ पे आए हुए हैं अभी है ना कब्रस्तान कदम वगैरह आए थे तो अभी सुबह उठते सारे नाश्ता वगैरह करके हम निकल आए थे कब्रस्तान आए हैं। खाला की कब्र खोले कब्र उधर है, हमने थोड़ी सफाई वगैरह किया तो पानी ना उधर वहाँ से कैन लेकर आए हैं उनसे अभी पानी भरेंगे, पानी भर के कब्र पर लेटाएंगे उसके बाद फूल वगैरह लेकर आए हैं यहाँ से पानी वगैरह सफाई कर रखे मिलते हैं आपको। चला जी हम मस्जिद में आगे पहुंच चुके हैं। सबसे पहले हमने जूता वगैरह वहाँ पे नीचे उतारा है, साथ में भाई मुदस्सर है और वो यात्र वो खड़ा हुआ करता है मैंने नहीं इसके साथ आना। अभी हम सबसे पहले चलते हैं मस्जिद के में ये देख के आप मस्जिद की खूबसूरती चेक करें। ए टू जी पत्थर लगा हुआ है वाइट कलर का, बाकी जो लोग तो जानते हैं उन्होंने देखी होगी मस्जिद जो जो इसके नज़दीक एरिया में होती है उनको पता होगा। बाकी ये देख के माशाल्लाह एंटर होते ही पता चलता है अभी इतनी धूप में वाइट कलर है यहाँ इसमें तो हमारी आँखें नहीं खुल रही हैं इतनी वाइट मैस है और इतनी इसकी ये ब्राइटनेस हमारी आंखों में डाल रही है। ये चेक करें मस्जिद माशाल्लाह से ए टू जेड पत्थर लगा हुआ है, कितनी प्यारी मस्जिद है, बहुत प्यारा काम, बहुत ही प्यारा काम हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने देखी होगी कुछ लोगों को पता हो शायद कि कुछ को नहीं पता होगा लेकिन देख सकते हैं हम अभी यहाँ पे आए हैं थोड़ी देर इसके विजिट करते हैं आपको चीज़ें दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ है और क्या क्या नहीं। मैं नहीं ना सही पता मैं ता नहीं पा बोला बच्चे की गलती चलती है मस्जिद के एंटर होते हैं साथ जब हम वापस आते हैं तो पीछे से हमें ये नज़ारा देखने को मिलता है। इसके बाद एंटर होने के बाद सबसे पहले तो देख सकते हैं आप ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई है ए टू जी जितनी छत पे है इसके पत्थर जो लगे हुए हैं ना ऊपर सारे ए टू जी उस पर कुरानी आयात लिखी हुई है कुरान पाक की। और उसके बाद एंटर होने के साथ साथ सबसे पहले हमें एक चीज़ नज़र आती है जी इसके जो लेफ्ट पिलर है ना उसके ऊपर ये दिखे कुदरती तौर पर मोहम्मद लिखा हुआ है माशाल्लाह देख कितना प्यारा लगता है आपको क्लियर हो सकता है नज़र आ रहा हो ये देखें ये लगा हुआ है लिखा हुआ है ये कोई किसने लिखा हुआ ये खुद कुदरत तौर पे अल्लाह की तरफ से ये पत्थर पे अपने आप आया। उसके बाद आप देख सकते हैं मस्जिद की कितनी प्यारी खूबसूरती है शायद आप लोगों में से कुछ ने देखी होगी कुछ ने नहीं देखी होगी लेकिन फिर भी हम आए थे साथ कज़न आए थे उन्होंने भी वीडियो बनानी थी आपने और मैंने भी ये देखें माशाल्लाह। और ये देख सकते हैं आप अल्लाह पर लिखा हुआ है और आप ये पूछेंगे ये अल्लाह ऐसे क्यों लिखा हुआ है जैसे ही मगरब का ग्रुप का टाइम होता है
तो उस टाइम धूप जब पड़ती है ना, तो धूप पड़ते सारी यहाँ पे धूप जब एंटर होती है तो सीधा यहाँ पे आकर अल्लाह अल्लाह का मतलब इसका जो अक्स होता है ना वो यहाँ पे आ जाता है। और उसके बाद सेम उसी तरह ही इस साइड पे भी वैसे ही बना हुआ है अल्लाह लिखा हुआ है। और इधर जैसे जहाँ पे धूप पड़ती है, धूप पड़ते ही यहाँ पे उसका अक्स इस साइड पे आ जाता है। अभी तो हम थोड़े अभी तो टाइम ही तकरीबन 2 का टाइम हुआ है ना, जैसे ही 5 होंगे 4:30 आजकल यही टाइम होता है मगरब का, मगरब टाइम वही होती है उस टाइम पे ही ऐसे होता है। लेकिन नज़ारा किसी टाइम एक दो दफ़ा देखा था लाइव आके, लेकिन वैसे फिर खुद दोबारा देखते हैं अगर मौका मिला तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। बाकी देख लें थोड़ी देर, हम यहाँ पे देखते हैं उसके बाद देखते हैं हमें आगे नेक्स्ट क्या करना है। चले जी हम मस्जिद से निकल आए थे, तो अभी सबसे पहले हमने नमाज पढ़नी है, थोड़ा लेट हो गया तो जा रहे हैं हम वजू करने। वजू करने के लिए हम पहले चलते हैं नीचे जाकर वजू करते हैं, फिर आएंगे दोबारा मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, फिर जाएंगे पीछे। आपको बताया तो हमने जिस जगह पर जाना, जहाँ पर जनाब साहब को जो डॉक्टर मोहम्मद फरक फीस साहिब हैं उनकी ज़्यारत हुई, जनाब साहब की उस जगह पर जाना है, फिर वहाँ पर जाके आपको मिलते हैं, दिखाते भी हैं। चले जी हमने वजू वगैरह कर लिया है, भाई ने भी कर लिया, यासर ने भी कर लिया है, और देख सामने मस्जिद। अभी हम सीधा वजू करके हम वहाँ पे जा रहे हैं, जाकर नमाज पढ़ते हैं फिर मिलते हैं। आप लोगों ने देखा तो होगा मस्जिद के अंदर भी कुरानी आयात लिखी हुई है, उसके बाद देख सकते हैं ये मस्जिद के हम बैक साइड पे आए हैं, इधर भी सारी आयात लिखी हुई है, उसके बाद सारे देख के उसके बाद ये पीछे काम भी जा रही है, पत्थर वगैरह कुछ लगा हुआ है, कुछ लगने वाला है। मैं खुद यहाँ पे आता हूँ काम करना, रेगुलर फ्राइडे को आता हूँ, पिछले कुछ 1-2 मंथ से मैं नहीं आया, और पिछले जो फ्राइडे था उसको मैं आया था, उसका एक लास्ट फ्राइडे था कल, मतलब जो कल गुजरा है, कल भी नहीं था यार, आपको पता है मैं गया हुआ था फूफा घर वहाँ से फ्री हुआ, तो आज अभी दोबारा मस्जिद आए हैं, साथ में यासिर भी था और भाई कल भाई था, भाई मुदस्सर साथ आए। अभी देखें पीछे ये काम इसका ये कंटिन्यू अभी चल रहा है, जैसे वो पीछे आपने देखे ना वो स्लैब बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ऊपर पत्थर लगा हुआ है, इधर सेम इस साइड पर यही होगा। बाकी अभी चलते हैं, आपको जिस जगह पर जाना था उधर चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो ये पीछे हमने जूता वगैरह उतार दिया था, अभी हम सबसे पहले वहाँ पर जा रहे हैं जहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद फरक फीस साहब को ज़्यारत हुई थी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो ये वो उस जगह है जहाँ पे अभी हम आए हैं। आप ये देख सकते हैं ये जो आपको ये खजूर नज़र आ रही है ना ये वाली, यहाँ पे हमारे जनाब साहब हैं हज़रत साहब जिन्हें हम बोलते हैं, इस जगह पे उनको इनकी ज़्यारत हुई थी अभी इस जगह पे। साथ में अभी आपको पता है खजूर का जितना कद होता है उसका जितना साइज़ होता है, उस लिहाज से यहाँ पे नीचे उन्होंने मिट्टी वगैरह लगा के, और साथ में आप देख सकते हैं ये उन्होंने बना दिया सीमेंट का, ताकि इधर कोई जा ना सके। तो आपको पता है जैसे जैसे लोग आते हैं उनको पता चलता है, वो कोई आता है मैं मिट्टी थोड़ी लेके जानी है घर, मैं मिट्टी थोड़ी घर लेके, इसलिए उसको कवर कर दिया है। ये आप देखते हैं स्टैंड वगैरह लगे हुए ऐसे उनको कवर कर दिया ताकि सारे कोई ना जाए। अभी ठीक है, सबसे पहले हम दुआ करते हैं, दुआ करने के बाद फिर नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या करना है। चला जी हमने दुआ वगैरह कर लिया, उसके बाद आपको पता है मैंने अंदर एक दिखाया था जहाँ पे लिखा हुआ था अल्लाह, ये वो अल्लाह आप देखते हैं मस्जिद की बैक साइड पे ये अल्लाह लिखा है यहाँ पे। जैसे जैसे देखे धूप उसके नज़दीक आ गई है, जैसे उसके अंदर आएगी तो उसका अक्स जो है ना यहाँ पे तो सीधा देखे ना यहाँ पे हमें सीधा नज़र आ रहा है, लेकिन अंदर वाली साइड देखा तो उल्टा नज़र आता है। जैसे धूप पड़ेगी इस पर तो वो पीछे भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
चले जी अब हम जाने लगे हैं वापस घर, अब आपको सीधा घर जाके मिलते हैं यहाँ पे रास्ते में। मस्जिद को तो हमने देख लिया, वो साथ कज़न आया तो उन्होंने विज़िट करना था। मैं तो यहाँ पे आपको पता है, आपको मैंने बताया था पिछले व्लॉग में, मैं फ्राइडे को मैं यहाँ पे आया था काम करने के लिए। अभी यहाँ से फ्री होकर सीधा चलते हैं घर, फिर मिलते हैं आपको। चले जी घर पहुँचते ही सबसे पहले हमें देखने का क्या मिलता है ये देख के चेक करें आप, बिरयानी साथ टिकियां सलाद रायता। हाय 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 हाय, भूख लगी है को नहीं लगी? मजेदार है तू भाई, भूखा साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। की करिए रोटी खोल दे। हां शफीक अहमद रोटी खोल दे, रोटी तो खोल लगे थे बात चल चल खोल दे, बस शुरू करो। बैठो बैठो। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम गए थे मस्जिद पाक बीघा शरीफ, वहां से आते सार हमने सबसे पहले खाना खाया है। खाना खाने के साथ साथ हमने रेस्ट की, रेस्ट करके देख कुछ टाइम का ये लेटा हुआ है, इसने अभी तक आके मुंह भी नहीं धोया। और ये भाई देख ना बिस्तर में बैठ गया। ओ भाई उठो, जाना है फाल क्या जाना है, आपने पिज्जा खिलाना, खर्चा करो हमारे पे। अब कोई मेरे पास पैसे कोई नहीं है ना, चलते हैं एचबीएल बैंक, चलते हैं एटीएम, जिंदाबाद, कोई मसला नहीं, जब आपका दिल करे जाए, टेंशन फ्री। चले उठे, शाबाश, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, चले देखते हैं। चले भाई उठते भाई, देख के चलते हैं हम सबसे पहले हम जाएंगे एचबीएल। मेरा खर्चा क्यों करवाना, बस हम आपके पास मेहमान आए हुए हैं, आपने मेजबान से ही पैसे लगवाने हैं। लगवाने भाई हम घेर रहे हैं, दो तीन जगह पे हम घूम के आए हैं। अब आपके यहाँ दिल है, बस आपका खर्चा करवाना ठीक है। चलो जी भाई की तरफ से हमें मिल रहा है पिज्ज़ा, लेकिन हम घर वालों को नहीं बताएंगे, घर वालों के लिए हम करेंगे छोटा सा प्रैंक, उनको हम नहीं बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करना है क्या नहीं। तो फिर मिलते हैं भाई के साथ, और ये पता नहीं इसको साथ लेकर जाते हैं। और चल भाई उठ मुंह धो, नहीं अगर इसको एक शर्त पर लेके जाना, अगर इसने अभी उठ के मुंह धोया तो, नहीं तो कोई नहीं। अगर इसने मुंह ना धोया तो फिर इसे बिल्कुल नहीं लेके, बस चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। डील डन, इसको हमने कुछ भी नहीं, एक बाइट भी नहीं लगाने देने, इसको कुछ भी नहीं देना। चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं आपको जाके फा लिया हमें। चला जी हम पहुंच आए हैं एचबीएल बैंक, भाई आ गए थे इसके अंदर, ये चेक करें, निकाल रहे हैं पैसे, ये लो अपना कोड वगैरह लगा रहे हैं, उसके बाद फिर मैं दिखाता हूँ उनको कि निकाल रहे हैं। हाँ जी भाई, कितने पैसे आप दिल है आपका निकालने को? बस कुछ निकाल ही लेते हैं, कुछ थोड़े बहुत निकाल लेते हैं। पिन लगा ले, फिर मैं उनकी शक्ल आपको दिखाता हूँ। ए लग गया शायद कोड। हाँ जी चलो जी, आप इधर देख रहे हैं थोड़ा सा, आप बताएं यार थोड़े से पैसे निकलवा लेते हैं। कितने फिर भी, कितना खर्चा कर रहे हैं आज का दिन आप हमारे पे? चलो फिर आपके सामने निकल आते हैं फिर लिखे जी, मैं दिखा रहा हूँ सबको। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आज तो हिदमते आए हैं, हिदमते धक्के से धक्के से। सबसे अच्छी बात पता कब आती है, जब होती है यहाँ से टू और पैसे निकलते हैं, तभी आपको सुनाई दिखा देती है। होने दे रहा ये क्या, उसके लगाए हमने ट्रांजैक्शन की है लेकिन अभी तक शो ही नहीं हुई, ना बाहर निकली है। ओ बैंक वाले की कीता जी, एच गजब बेइज्जती है यार, बैंक का देखे इनके पता है, पता नहीं क्या कैसे यहां पे तो वीडियो बना रहे हैं इस वजह से तुम शायद ले जी। हम एचबीएल बैंक में से ट्रांजैक्शन हमारी नहीं हुई, उसके बाद हम दूसरी ब्रांच पे गए थे, वो भी लिखा हुआ था एटीएम खराब है। देखे जी इधर भी वही लिखा हुआ है, आपको यह नजर आ रहा है एटीएम खराब है। इसके अलावा जो उम्मीद हमारी आखिरी है वो भी टूट गई है। अभी हम जा रहे हैं अपना ये वाला मुंह ले सीधा घर, ये हमारा बंदा देखे हाथ मुंह धो के कंघी शंघी कार के शूज वगैरह पहने हैं, और हमने देखे शूज भी नहीं पहने, चप्पल पहनी हुई है, और हम सीधा निकल आए यहाँ पे। ओए ओए, और हमारा काम भी नहीं, हमारा काम भी नहीं, काम भी नहीं बना। ओए ओए ओए, क्या फायदा हुआ इसके मुंह धोने का। या तो ना ही ना मुंह धोना चंगा ही सही गल है। चलिए घर, चलो जी चलो भाई घर, सारा बाजार फेर दिता है। ये देख इतने आया ना लाइट बैंक, ये चेक करें। ओए अन्ने रे आवाज, अरे कहना क्या चाहते हो, सन लोड पे से किधर जावे, अरे उम्मीद है साडी ओ सत रोड दीती है। चलो यार चलिए वापस घर यार, कोई फायदा नहीं, मुंह धो ले कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, एटीएम दस्याब ने मेजान बैग
हाय हाय चलो आज वापस भाई चलिए कार है चला जी जलील होने के बाद हम आ गए हैं पिज़्ज़ा क्लब ये देखें सिलसिले अंदर अंदर जा आउंदे हैं घरों सारे सलाह कर क्यों देने वा खाना की होता है इतना क्या जरूर समझना होता है ये जरूर चेक करना होता है वा खाना की है क्या की नहीं खाना चेक करो पढ़ दिया ने दे हम की यार दो दफा जी हमने किया विड्रॉल ट्रांस रिवर्सल फिर कैश विड्रॉल फिर जो है ट्रांस रिवर्सल रिवर्सल जितने बार किए पैसे वापस चले गए हैं मतलब आ गए हैं और जिसके पास बाकी जिसे जिसके पास भी गए हैं जी नो 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 खराब है जी एटीएम खराब है उसकी पता नहीं क्या लेकिन इतने पैसे अलहमदिल्ला जेब में होते हैं कि जरूरत पड़ जाती है लेकिन हम खाए पिएंगे वो ही नॉर्मल नॉर्मल ज़्यादा नहीं है फिर भी यार क्या जीब या फालिया भी मारा अब चीज़ वो दिखाते हैं कि हमारी जेब में इतने पैसे होते हैं कि कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ तो है हमारे पास उम्मीद है इनसे हमारा पिज़्ज़ा तो आ ही जाएगा आ जाएगा उम्मीद तो है आ जाएगा भाई पिज़्ज़ा तो आ जाएगा और कोई नहीं खराब बिल आ गया उसके बाद ये पैकिंग आ गई है अभी अब उम्मीद है हमारा क्लियर हो जाएगा आसानी से कुछ बच भी जाएंगे साथ में और भी चीज़ें हम लेके जा सकते हैं लेकिन बाहर से यहाँ से नहीं रखते चले जी हमने पैकिंग वगैरह करके हमने आए हैं बिल वगैरह क्लियर करके हाँ जी चले आप घर जाके मिलते हैं या बैंक फिर जाना है हर चक्कर हमें ज़रूर लगाना है बैंक में फिर देखते हैं वहाँ पे जाके